हे गाइस, दिस इज विशाल मौर्य एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज भी हमारे पास YouTube कम्युनिटी से तीन चार न्यूज हैं, तो मैं सभी को एक एक करके कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको एक एक अपडेट काफी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट है द एक्सपेरिमेंट टीवी वालों की तरफ से। तो दोस्तों, उनकी ही टीम में एक बंदा था जिसका नाम छोटू था। तो उस बंदे ने अपने ही ओनर के साथ स्कैम कर लिया, जिसके बाद द एक्सपेरिमेंट टीवी के ओनर ने उसे टीम से बाहर निकाल दिया। दरअसल वो जो छोटू नाम का बंदा था, वो द एक्सपेरिमेंट टीवी के ओनर को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि उनका चैनल काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। जब ये बात द एक्सपेरिमेंट टीवी के ओनर को पता चली, तब उसने उस बंदे को बाहर कर दिया। उन्होंने इसके रिकॉर्डिंग एक वीडियो भी डाली, उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा ये उनके वीडियो से ही जानते हैं। एक टीम का बंदा जो कि छोटू था, उसने हमारे साथ इतना गलत किया है कि हमारे पैरों के नीचे से जो जमीन है वो निकल चुकी है। और गाइज, इस वीडियो को बनाने का मतलब कुछ बनता ही नहीं था, हम बनाना नहीं चाहते। देखो वापस से वो बोल रहा है, देखिए ये छोटू की आवाज़ थी। गाइज अभी क्या बोला पता है उसने? छोटू प्लान कर रहा था कि हमें जो चूना लगा रहा है वो चूने से वो अपाचे लेगा, बट उसकी मंडली ने उसे एक सलाह दी कि तू अपाचे मतलब वो जो पैसा आता है ना, तू अपने स्प्लेंडर से शुरू कर, ठीक है, स्प्लेंडर से शुरू कर, और बाद में तू ऐसा बोलना कि मैंने वीडियो बनाना शुरू किया इसलिए अल्फाज भाई ने मुझे टीम से धक्का देकर निकाल दिया गया। ओवर से दिलराज भाई की टीम के जो मेंबर है ना, वो रॉयल बनना अकाउंट ऐसा कर कर है, चिल बाबा चिल, उनके 26 मिलियन सब्सक्राइबर है दिलराज भाई के, बट फिर भी उनसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे हैं, ये एक घमंड की बात हुई। गाइस देखिए वापस से मैं आपको सुना देता हूँ। तो गाइस जब चलिए चलते हैं दूसरे न्यूज पर। ये न्यूज है सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। दोस्तों, आज के ब्लॉग में सौरभ जोशी भारती सिंह से मिले, इन दोनों के बीच में काफी ढेर सारी बातें हुई। जब सौरभ जोशी उनके यहाँ से बाहर आए, तब उन्हें बॉक्स में कुछ मिला। दोस्तों, मेरे हिसाब से उस बॉक्स में उनकी ही कंपनी का कुछ सामान होगा जो सौरभ जोशी को गिफ्ट किया गया। ने कहा है कि वो हमारे शो पे भी आएगा और उससे पहले वो अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आएगा। मैंने आंटी को बिठाना और मैंने बोला आंटी आपने एक काम नहीं करना, मैंने घर में आपको हर ब्लॉग में काम करते देखा और मैंने खाना बनाना आंटी के लिए मज़ेदार, और बस ये तो आंटी छोटी सी चीज है, मैं ये आंटी आप तो। दोस्तों चलिए चलते हैं अब हम तीसरी न्यूज पर। तो गाइस ये जो तीसरी न्यूज है ये क्रेजी एक्स वाई जेड के लिए है। दोस्तों इस समय क्रेजी एक्स वाई जेड दुबई में मौजूद है, तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे वहीं मनाया। उन्होंने दुबई में इंडिया का झंडा फहराते हुए वीडियो भी बनाया। उनका वीडियो क्या था आइए देखते हैं। टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी आप सभी को आई होप ये अपडेट आपको सही लगा होगा। अगर और भी अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही YouTube से रिलेटेड न्यूज़ लाता रहता हूँ।